गंगा की बात कार्यक्रम की पांचवी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, गंगा की स्वच्छता और निर्बाध जलधारा आज एक बार पुनः स्थापित हुई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर है। आज के अंक में हमारे मेहमान हैं श्री शिशिर कुमार रथ, जो कि उप महानिदेशक हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के। रथ साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। रथ साहब, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो उद्देश्य है वो है प्रदूषण में कमी लाना और गंगा नदी के संरक्षण के लिए कार्य करना। वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, किस तरह से प्रभावित हुआ है लॉकडाउन के दौरान आपका ये कार्य? जैसे आप जानते हैं, स्वच्छ गंगा मिशन दो मुख्य धारा पर निर्भर है, एक तो है निर्मल गंगा और एक अविरल गंगा। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो हमारे पहला जो है निर्मल गंगा, निर्मलता गंगा की, उसमें काफी बदलाव आया है, चाहे वो डीजल ऑक्सीजन की मात्रा हो या बायो ऑक्सीजन डिमांड हो या बाकी कोलिफॉर्म इंडेक्स, इतने सारे हमारे पैरामीटर्स है पॉल्यूशन की, उसमें काफी सुधार आया है। और इसके साथ साथ जो अविरलता है, अविरलता मतलब हमारे जो गंगा के न्यूनतम प्रवाह मेंटेन करना है, उसमें भी काफी उन्नति आई है, क्योंकि अभी ऊपर जो गंगा की वहाँ पे भी बारिश काफी हुई है और इसके चलते गंगा की जो उपनदी है यमुना हो गया, उन सब में भी प्रवाह में बढ़ोतरी देखने को मिली। जी, हम कह सकते हैं कि जो पानी की गुणवत्ता है उसमें सुधार आया है और जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बना रहना चाहिए वो इसमें आ गया है। रथ साहब, हम सभी जानते हैं कि इसका जो दूसरा चरण है उसमें जो सहायक नदियां हैं गंगा में, उस पर कार्य होना है। थोड़ा बताइए कि किस तरह से इन कार्यों को अंजाम देने की आपने योजना बनाई है। देखिए, निर्मलता तो मैंने जैसे बताया, हमें स्थिति कर रहे हैं विभिन्न प्रकार, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हो या घाट को गंदा ना करे, वो सब देख रहे हैं। पर सबसे बड़ी जो चुनौती है, चैलेंज है हमारे सामने, वो गंगा में प्रवाह की बढ़ाने के लिए। हमारा ये विश्वास है एनएमसी जी का कि गंगा का हक उसकी पानी में, गंगा में ही रहना चाहिए। और इसीलिए जो प्रवाह है कि जितने सारे उपनदियां हैं गंगा में, उसमें जब तक प्रवाह नहीं बढ़ेगा गंगा में भी प्रवाह नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमने काफी सारे प्रोजेक्ट छोटे छोटे दिए हैं और हमें काफी भी लोगों का अपने पीपुल्स इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी काफी हमें प्रेरणा मिली है कि लोग ने कैसे अपने छोटे छोटे नदियां, नाला के सब में, चेक डैम, बोल्डर, वो सब पानी जल का संरक्षण करते हुए अपने छोटे नदी में कि जो प्रवाह है उसकी जो फ्लो है उसको बढ़ाया है और उसके चलते हुए उसका असर गंगा में देखने को मिल रहा है। शिशिर कुमार रथ साहब, हम सभी ने चित्रों के माध्यम से सोशल मीडिया में देखा कि गंगा नदी का जो जल है बिल्कुल निर्मल हो गया है और कुछ ऐसे भी दृश्य देखने को मिले जिसमें कि उसमें जो जलीय जीव हैं वो भी तटों पर घूमते हुए दिखाई दिए, बहुत स्पष्ट देखने को मिले। तो इस दौरान जो गंगा प्रहरी हैं उन्होंने किस तरह का कार्य किया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये भी आवश्यक था कि वो अपनी भूमिका के साथ साथ अन्य कार्य भी करें। देखिए, एक तो बात सभी को, सबको अच्छी तरह पावी है कि कोई भी मानव प्रकृति के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और गंगा को स्वच्छ करने वाली बात नहीं है, गंगा तो अपने आप में स्वच्छ है, सिर्फ जब तक हम मनुष्य उसके ऊपर तो गंदा ना करें तो वो अपने आप स्वच्छ रहेंगे। और यही चीज हमें देखने को मिला है ये लॉकडाउन में, जब कोई भी लोग गंगा को प्रदूषण करने के लिए नहीं गए हैं। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं, इसी समय हमारे सारे जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है जो बने हैं सभी पूर्ण क्षमता से चल रहे थे। इसके चलते जो वेस्ट है वो ट्रीटेड वाटर ही गंगा जा रहा था। ज्यादातर जो प्रदूषण है वो एंथ्रोपोजेनिक जो कहा जाता है, मनुष्य के कारण, लोगों के कारण, वो सब में संपूर्ण तरह के पाबंदी लग गया था। इसके चलते गंगा बहुत स्वच्छ देखने को लगा। और ये जो हमारे एक्वाटिक एनिमल की जो है उसके भी काफी जगह में लोग, क्योंकि उनको लोग आस पास में नहीं दिखे, उन्होंने सोचा कि अपना दायरा थोड़ा बड़ा है। ये प्रकृति का नियम है, जब भी कोई जगह खाली हो जाता है तो जीव जंतु हो या मानव हो वो उस जगह को अपने इलाका में लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसी के तहत सारे जो हमारे जलीय जीव है गंगा में वो लोग भी अपना अपना जो इलाका है उसको बढ़ाने की कोशिश में आए और उसके लिए लोगों की नजर में आए। एक बात जो हमारे गंगा प्रहरी है गंगा की हर जगह पे, उन्होंने इस समय उनका बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका इसलिए रहा कि बहुत समय ये देखा गया कि जैसे मैं कहूँ पश्चिम बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो, कहीं एक जगह पे जो डॉल्फिन है ऐसे आते आते किनारे आ गए, कोई गांव में कोई बच्चे पकड़ लिया कुछ लोगों ने, और कहीं कहीं फिशिंग करते हुए उसमें नेट में आ गए,
तो हमारे जो गंगा प्रहरी है वहाँ तुरंत जाके उसी को तुरंत रेस्क्यू करके उसको रिहैबिलिटेट करके फिर वापस गंगा की नदी में छोड़ा है। इसलिए उनका जो वहाँ के उपस्थित रहना, लोगों के सजा करना, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। रथ साहब, जहाँ तक जैव विविधता संरक्षण की बात है तो ये कार्य देहरादून में जो वन्य जीव संस्थान है वो देख रहा है, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है? वन्य जीव संस्थान हमारा बहुत महत्वपूर्ण ये निर्मल गंगा बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक कैडर, उन्हीं के थ्रू हम लोग ने गंगा प्रहरी के कैडर खड़ा करता है, आज वो हर एक गांव में देखने लगता है। और दूसरा, हमें जितना एक्वेटिक एनिमल है उसकी चाहे बेसलाइन स्टडी हो, उसकी चाहे संरक्षण हो, उसकी चाहे किस तरह के हम लोग उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो गंगा को रिजुवनेशन करने के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो अन्य उद्देश्य हैं उन पर भी कुछ प्रकाश डालिए रथ साहब। एक सबसे जो प्रधानमंत्री का एक हमें संदेश भी है कि लोगों को जुड़ोगे तो जीतोगे, वो हमें सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये आह्वान है कि गंगा को साफ करना, गंगा का विरलता बढ़ाना, ये सिर्फ कोई सरकारी या विभाग या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्य नहीं बन सकता, ये जब जन समुदाय सब अपने आप काम पे लेंगे तो उसका बहुत सुदूरप्रसारी प्रभाव पड़ेगा। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत सारे जो हमारे खुद सोल्जर्स होते हैं इस तरह की, चाहे गंगा प्रहरी है, गंगा मित्र है, गंगा दूत है, गंगा विचार मंच की है, इसी लोगों को हम लोगों ने इसमें शामिल किए है। और हमारा ये सबसे बड़ा पहला है कि लोगों को इसके गंगा के संरक्षण और गंगा की रिजुवनेशन के लिए लोगों कैसे जुड़ा जाएगा। अभी हाल ही में हमने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया रथ साहब, और उसका एक थीम था कि जो समाधान है वो प्रकृति में ही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आम जनता से इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये तो सबसे पहला है, सभी को अभी पता ही चल गया है कि लॉकडाउन जैसे हुआ, जो समाधान हम इतने सालों से करीब 30 साल से और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बनते हुए 2016 से आज से 5 साल हो गए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस लक्ष्य को पाने के लिए लॉकडाउन के दौरान प्रकृति में अपने आप से वो समाधान जैसे लगता है कि उन्होंने निकाल लिया है। हमें भी लगता है कि जो प्रकृति ने हमें सिखाया है लॉकडाउन के दौरान, उसी के तहत हम उससे सीखे और उसी का सम्मान करते हुए उस कार्यक्रम को उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसी को ही आगे बढ़ाते जाए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उप महानिदेशक श्री शिशिर कुमार रथ से बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं एक संगीतमय अंतराल और सुनते हैं ये गीत।
इस गीत के बाद गंगा की बात कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं उप महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन श्री शिशिर कुमार रथ। ये बहुत जरूरी है कि जो नई पीढ़ी है और उसमें भी हमारे युवा और जो बच्चे हैं वो गंगा के संरक्षण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें, और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि वो आने वाले समय के कर्णधार हैं देश के। तो उनके लिए कोई विशेष आपका ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि उन तक पहुंचा जाए, उनको बताया जाए गंगा के बारे में? हमें बहुत खुशी है कि आपसे मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था गंगा क्वेस्ट। तो गंगा क्वेस्ट 2019 शुरू किए थे जिसमें हम लोग जो जितने सारे स्कूल बच्चे का ऑनलाइन क्विज प्रोग्राम था, खेल खेल में गंगा के बारे में लोगों की ज्ञान हो, उसमें रुचि बढ़े, इस सबके लिए। और जब पिछले साल करीब लगभग 30-35 हजार बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और इस साल हमने उसी को दोबारा लाया गंगा क्वेस्ट 2 या गंगा क्वेस्ट 2020 को लेके। आपको सुनकर खुशी होगी कि लॉकडाउन के चलते हुए आज की तारीख में लगभग 9 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन करने के लिए आगे बढ़ के आए हैं। और इतना है कि सिर्फ ये भारत में नहीं है या उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारे दक्षिण के राज्य से भी आए हैं, पूर्व से भी आए, पूर्वोत्तर से भी बच्चे जो उसमें भाग ले रहे हैं, और कि इसके अलावा करीब करीब 11 जो विदेश में हमारे हैं वहां से भी बच्चे इस गंगा क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के तहत लोगों को जानकारी मिल रही है कि गंगा के बारे में, और उसके साथ वो खेल खेल में ही उनको पुरस्कार भी जीतने का एक मौका भी मिल रहा है। और उसका लास्ट जो डेट है 30 तारीख को खत्म होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं, हमारा आशा है कि हम करीब करीब 1 मिलियन तक उसमें पार्टिसिपेशन का पहुंच जाए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो आपके गंगा प्रहरी हैं जो या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेंड करने के लिए क्या कोई योजना आपकी रहती है ताकि उनको जो अद्यतन जानकारी दी जा सके गंगा से संबंधित और जो भी आंकड़े आपको मिल रहे हैं? पिछले महीने जैसे लॉकडाउन चला था, हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने सारे गंगा प्रहरी से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत किए थे, और उसके बाद उनको लगी ये जो गंगा प्रहरी उनको एक स्वतंत्र ट्रेनिंग दिया जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसके बाद वो गंगा प्रहरी जैसे बनते हैं। जबकि बाकी जो हमारे फुट सोल्जर से चाहे गंगा मित्र हो गंगा दूत हो उनको इतना मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए मंत्री जी के निर्देश है कि हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को माध्यम से जो बाकी जो हमारे जो फुट सोल्जर्स है उनको भी एक ट्रेनिंग दिया जाए, उनको एक प्रशिक्षण देने का व्यवस्था की जाए, और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अंत में हमारे जो श्रोता है आकाशवाणी के जो इस कार्यक्रम को बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं उनके लिए कोई संदेश है आपका कि गंगा के संरक्षण गंगा के प्रदूषण में कमी के लिए हम एक नागरिक होने के नाते अपना दायित्व निभाएं? हम तो यही चाहेंगे, ये तो हमारे कार्य है, कर्तव्य है कि गंगा को हम स्वच्छ और निर्मल रखें, और मगर हम ये उम्मीद रखते हैं सारी जनता से कि वो भी हमें सहयोग दे। गंगा नेशनल रिवर है और इसको कैसे स्वच्छ और अविरल रखे, इसको भाग दे अपना और अपना पुण्य भी कमाए, ये हमारा उनके लिए आग्रह है। शिशिर कुमार रथ साहब, आज आपने इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री शिशिर कुमार रथ, उप महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसी के साथ गंगा की बात कार्यक्रम की 5वीं कड़ी यहीं पर संपन्न होती है।